दी चैनल रेशमिस लाइफ स्टाइल सो so, आज मैं लेके आ गई हूँ दौशमी स्पेशल मेकअप लुक मैं दशमी स्पेशल मेकअप लुक देना नहीं चाहती थी बहुत ही डीले कर रही थी क्योंकि दोष मतलब ये होता है कि दुर्गा ठाकुर मतलब दुर्गा माँ चला जाएगा बहुत ख़राब लगता है मुझे इस वजह से मैं देती नहीं हूँ मतलब आ, डीले कर रही थी फिर भी देना तो था इस वजह से आ गई हूँ मैं दशमी में स्पेशल मेकअप लुक लेके तो ये स्पेशल मेकअप लुक सिर्फ हम लोग बंगाली में शीदुर खेला होता है तो उस टाइम पे हम लोग ट्रेडिशनल काइंड साड़ी वगैरह सब पहन के हम लोग आ, उम... सिंदूर खेलते हैं मतलब एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं ठाकुर के माथे पर सिंदूर लगाते हैं हाथ में सिंदूर लगाते हैं। ये सब करते हैं तो इस वजह से मैंने ऐसे काइंड ऑफ लुक क्रिएट किया है बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ लुक मैंने क्रिएट किया है आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा सिंपल तरीके से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है कोई हार्श कंट्रोलिंग नहीं की कोई फॉल्स लैश भी मैंने नहीं लगाया है अफोर्डेबल प्रोडक्ट में यूज़ uh, करके मैंने इस लुक को क्रिएट किया है सिर्फ दो आई की मदद से

हाय गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करके अच्छी तरह से सनस्क्रीन लगा लेना सनस्क्रीन लगाने के 20 मिनट के बाद मेकअप स्टार्ट करना तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले एक वाइप्स ले लेना उस वाइप की मदद से अच्छी तरह से अपने फेस को क्लीन कर लेना मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरह से वाइप आउट कर लेना नहीं तो मेकअप ठीक तरह से बैठेगा नहीं ठीक है जितना एब्जॉर्ब होना था हो गया अब क्लीन करने के बाद बारी आएगी मेकअप के सेकेंड स्टेप की तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ हमारे बंगाली में यहाँ पर जो सिंदूर खेला होता है वो हर घर की जो बहुएँ होती हैं ना मतलब बो जिसको बोलते हैं बंगाली में वो लोग हमेशा ठाकुर को सिंदूर वगैरह डालती हैं और सुहागर है ये सब तो ये लुक मैं आज रेट करूंगी आप लोगों के सामने तो देखो इसके बाद बारी आती है प्राइमर की तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ करूंगी मेबली न्यूयॉर्क का आ, ये प्राइमर ये ग्रीन कलर का प्राइमर है तो जो रेडनेस होगा वो न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा गर्मी की वजह से जो रेडनेस होगा वो भी न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा तो चलो अच्छी तरह से प्राइमर को लगाना ज़रूरी है क्योंकि प्राइमर जितना अच्छा लगाओगे फाउंडेशन उतना अच्छा सीमलेसली बैठेगा फेस पे तो फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर तो कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैक का टेक कवर कंसीलर मेरा शेड है बर्थ डे स्यूट बहुत अच्छा कंसीलर है जो मेरा पिगमेंटेड एरिया है वहाँ वहाँ मैं लगा के अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी तो पिगमेंटेड एरिया मेरे नोज़ के ऊपर है और आइज़ के अराउंड है होटों के अराउंड है और नोज़ के अराउंड है और छोटा छोटा मेरा ब्रोनो मतलब मेरा जो पिम्पल्स है वो मार्क्स है उसके अराउंड भी मैं लगा के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी आप लोग चाहो तो कलर करेक्ट भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादा पिगमेंटेशन हो तभी करना अगर आपको कंसीलर से हो जाता है तो आ, कलर करेक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो मेरा कंसीलर से हो जाता है दैट्स वाई मैं पहले कंसीलर लगा लेती हूँ उसके बाद बारी आएगी फाउंडेशन की कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिएगा कंसीलर ब्लेंड करना भी बहुत ज़रूरी है एक्चुअली बेस को प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है इस वजह से ब्लेंडिंग इज़ द की ऑलवेज रिमेंबर दैट सो so कंसीलर के बाद बारी आती है फाउंडेशन की तो मैं आज यूज़ करूँगी नायका का ये फ़ाउंडेशन ये नया लॉन्च है नायका का यूज़ मैंने किया पहली बार तो मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बता दूँ फाउंडेशन मैंने दो तीन पंप लिया ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा फुल कवरेज नहीं देता ये मैं ब्रश से यूज़ करूंगी उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड करूँगी एनी तो फाउंडेशन के बारे में मैं बता दूँ ये पाप प्रॉपर शेड है मेरा लेकिन आप चाहो तो एक शेड लाइटर लो क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है और ब्लेंडिंग में इतना अच्छा नहीं है मुझे ख़ास नहीं लगा थोड़ा सा रनी काइंड ऑफ है तो रनी काइंड ऑफ फाउंडेशन होना मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा ये फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है तो मैं यूज़ कर रही हूँ आप देखिए ख़राब नहीं है ठीक ठाक ही है लेकिन ज़्यादातर टिकेगा नहीं और मैं बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही थी इस फाउंडेशन को लगाने के बाद मेरे घर पे एसी चल रहा था तीन फैन के साथ मैं शूट कर रही थी फिर भी मैं बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही थी फ़ाउंडेशन के साथ खराब नहीं है ठीक ठाक है आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो ज़्यादा मैटी इफेक्ट भी नहीं दे रहा था मुझे एनी तो ये फाउंडेशन का छोटा सा रिव्यू मैंने कर दिया है मुझे लगा था कि मैं अलग से रिव्यू दूँगी अगर होगा तो मैं अलग से दूँगी लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया ये फ़ाउंडेशन बहुत ज़्यादा केकी केकी लग रहा था एक तो और इसके बाद मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ और बहुत ही ज़्यादा स्वेटी स्वेटी भी लग रहा था नेक्स्ट नायका कि इसी मैटी ऑल डे कॉम्पैक्ट की मदद से मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी आई मस्ट से दिस कॉम्पैक्ट आई लव दिस बहुत अच्छा है आपको पता है मैं मतलब पूरी पूजा में शायद यही कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही थी बहुत ही अच्छा है एक मैटी सा इफेक्ट भी देता है मेरा बिल्कुल परफेक्ट मैच भी है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ऑयल कंट्रोल कर देता है आप लोग देखिए आप खुद ही समझ पाओगे कॉम्पैक्ट लगाने के बाद मेरा फेस देखिए बहुत डल लग रहा है और सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है तो उसको थोड़ा सा कलर प्रोवाइड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेबल्यूशन लंदन की ये ब्लश पैलेट की मदद से दो कलर लूँगी और उसको मिक्सड करके अपने गालों में ब्लश लगा लूँगी आप लोग चाहो तो क्रीम ब्लश भी कर सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा बार क्रीम ब्लश लगा लिया तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक हल्का पाउडर ब्लश ही लगा लूँ सो इतना ज़्यादा पाउडर लगाने के बाद मेरा फेस बहुत ज़्यादा पाउडर ही पाउडर ही लग रहा था तो इस वजह से मैं ये वेटन वाइल्ड की सेटिंग स्प्रे की मदद से अच्छी तरह से फेस को सेट करूँगी इससे क्या होगा ना मेरा जो पाउडर था वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और स्किन पे बैठ जाएगा इसके बाद एक ब्यूटी प्लेंडर की मदद से उसी जो ये है उसको अच्छी तरह से डैब डैप करके बिठा लूँगी अपने स्किन के अंदर सो so, इसके बाद बारी आती है आईब्रोज की तो आईब्रोज के लिए मैं ये नायका का ब्राउ चिक ब्राउ आईब्रोज को यूज़ करूंगी पहले स्पूली की मदद से कोम करूँगी उसके बाद फिल करूँगी आज मैं आईब्रोज़ को थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से फ़ील करूँगी थोड़ा मोटा तरीके से फ़ील करूंगी ये ना सारी लुक के साथ बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं ज़्यादा कोई हाइलाइटर वग़ैरह उतना यूज़ नहीं करूँगी तो अगर आप चाहो तो थोड़ा सा मोटा करके अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हो इसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की तो ब्राउबन को मैं हाईलाइट कर लूँगी के ब्यूटी की रोजी ड्यू हाईलाइटर के साथ इसके बाद आइस को कर लेते हैं तो आइस के लिए फर्स्ट मैं यूज करूंगी ये मर्स की पॉर्स आई शेडो से ये बर्न्ड ऑरेंज कलर उसको मैं क्रीज लाइन और आउटर भी पे ऐसे यूज करूँगी आई शेडो आज मैं बहुत सिंपल तरीके से करूँगी दो आई शेडो की मदद से ये लुक क्रिएट हो जाएगा तो पहले मैं प्लेस करूंगी आई शेडो को उसके बाद बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ फिर विगल जैसे मैं कर रही हूँ देखिए इससे आई शेडो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है फिर आई ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अच्छी तरह से उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये एक्सपोज बाई इन कलर का वेट आई शेडो उंगली की मदद से मैं इसको अपने आई लीट पर प्लेस करूँगी बहुत अच्छा लुक आता है इससे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इस टाइप ऑफ आई शेडो को एक आई शेडो आप यूज़ कर लो मतलब ये एक लगा लो इसके बाद लाइनर लगा लो और आप कहीं पर भी जा, चले जा सकते हो विदाउट क्रिएट एनी एक्स्ट्रा और समथिंग एल्स इसके बाद मैं वही ब्लेंडिंग ब्रश को लेके अच्छी तरह से सब आई को मिक्स कर लूंगी इसके बाद फेस ब्यूटी की स्टाइलाइनर की मदद से मैं पहले अपने लिट को रेड कलर की आईलाइनर से लाइन करूंगी इसके बाद ब्लैक से इस रेड आईलाइनर को आउटलाइन करूंगी आप लोग देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करूंगी ये ब्लैक कलर का जो आईलाइनर मैं यूज़ करूंगी वो कोई ब्रांड का नहीं है लेकिन मुझे पर्सनली वो आईलाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है रेड आईलाइनर लाइनर में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि तो अगर रेड मैं लगाऊँ तो बहुत ज़्यादा पॉप नहीं कर रहा है इस वजह से ब्लैक से अगर हाईलाइट कर लूँ इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पर मैं हाईलाइट करूँगी ये देखिए जैसे मैं करूँ और छोट छोटा तो सा एक ईदू सा विंग बनाऊंगी मेरा हुडेड आई है तो ज़्यादा विंग मेरे आई पे अच्छा नहीं लगता इस वजह से मैं एक छोटा सा विंग करूंगी। इससे लुक बहुत अच्छा आएगा इसके बाद मैं वाटर लाइन को भी लाइन करूँगी वाटर लाइन को लाइन करने के लिए मैं कलर वार का ये फ्लोटी टर्क आई शेडो यूज़ करूँगी बहुत आई शेडो बोल रही हूँ आई लाइनर यूज़ करूँगी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा काजल है डू ग्रिविटा ट्राई गाइज बहुत अच्छा है ये देखिए हो गया मेरा आई लुक इसके बाद जो ब्राउंड ऑरेंज से मैंने क्रीज किया था उसी की मदद से वाटर लाइन के नीचे भी थोड़ा सा स्मोक आउट कर लूँगी उससे लुक ज़्यादा अच्छा आता है ये हो जाने के बाद वही रोजी रोजिटिव हाईलाइटर की मदद से मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी और बाकी जो ब्रिज ऑफ नोज क्यूपिड बुथ चेन फोरहेड और हाइस पॉइंट ऑफ द चिक बोन हर जगह को अच्छी तरह से हाईलाइट कर लूँगी हाईलाइटर हो जाने के बाद मुझे याद आया मैंने मस्कारा लगाना भूल गया था इस वजह से मैंने मस्कारा लगा लिया मस्कारा लगाने के बाद एक छोटा सा टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अगर आप लोग फॉल्स लैश नहीं लगाना चाहते तो मस्कारा लगाने के बाद आप एक ये आई लैश कर्लर लो और आई लैश को अच्छी तरह से कर्ल कर लो तो वो अच्छी तरह से कर्ल भी रहेगा बहुत अच्छा भी दिखेगा अगर आपका आईलैश हो मेरे पास तो ज़्यादा आईलैश है ही नहीं जितना भी है मैं वैसे ही कर आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ये है पहले आई मतलब आ, मस्कारा को लगाओ मस्कारा लगाने के बाद एक आईलैश कर्लर की मदद से कर्ल कर लो इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की तो रूबी ऊ मैक का ये यूनिवर्सल शेड है मुझे बहुत ज्यादा ड्राई लगता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कलर है कलर की वजह से एकदम फाइव स्टार आप दे सकते हो इसको बहुत अच्छा लगेगा ये लुक ले लो इसके बाद एक स्टोन की बिंदी मैंने लगा लिया और सिंदूर खेला का लुक है तो सिंदूर खेला का लुक में सिंदूर ना लगाओ तो ये अच्छा नहीं लगता तो बहुत भर भर के मैंने सिंदूर लगा लिया अगर आप न्यूली ब्राइड हो तो ऐसे आप बिल्कुल तैयार हो सकते हो मैं तो वैसे ही तैयार होती हूँ इसके बाद थोड़ा सा मैंने आगे की तरफ स्मच कर लिया इससे ना लुक बहुत सुंदर आता है इसके बाद सेटिंग स्प्रे से पूरे फेस को अच्छी तरह से सेट कर लिया इसके बाद एक नथ लगा लो अगर आप चाहो तो एक आप मांगटी का भी लगा सकते हो लेकिन मैं सिर्फ नथ नहीं लगाऊंगी ये मेरी शादी का नथ है बहुत दिन बाद मैंने इसको निकाला था पहन के मुझे इतना खुशी हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ वैसे कहीं कहीं पर तो दुर्गा पूजा में हर घर की जो बहुए होती है वो नंत पहनती है बंगाली में हमारे यहाँ पर नहीं पहनती लेकिन मैंने फिर भी पहन लिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक आई होप आप लोगों को थोड़ा पसंद आया होगा तो चलो अब बेटी देख लो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा अगर आप लोगों को कोई रिक्वेस्ट है वो भी मुझे बताइएगा तो चलो मैं फिर आपसे मिलूंगी कोई नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड शुभो दुर्गा पूजा ऑल ऑफ यू हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू हेलो आज के लिए मैं यही पर वीडियो को एंड कर देती हूँ आशा करती हूँ आप लोग अच्छी तरह से अपनी दुर्गा पूजा को या फिर नवरात्रि को एंजॉय करोगे मेरी तरफ से टाटा बाय बाय नमस्कार